नमस्कार, ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो मोटिवेशन है वो एक नई ऊंचाई तक चला जाएगा, क्योंकि हम आज की वीडियो में ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है सैलरी। तो सैलरी का नाम जब इंसान को सुनाई देता है तो एक ही चीज़ याद आती है और वो चीज़ होती है कि पैसे आएंगे। और पहली जो सैलरी आती है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है और इतनी क्यूरियसिटी रहती है ना उसको लेके, इतनी हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है आपको, अपने घर वालों को, आपके दोस्तों को भी, क्योंकि उनको भी पता है कि उधार चुकाएगा जब सैलरी आएगी। तो ये जो वीडियो है इसमें हम सैलरी की बात करने वाले हैं कि नर्सिंग ऑफिसर बनोगे जब आप नोरशेट करेक्ट करने के बाद में कितनी सैलरी है वो आपके आएगी, फर्स्ट सैलरी कितनी आती है, कितने दिन बाद में आती है और क्या क्या चीज़ मिला कि आपकी पहली सैलरी आती है, ये इस टॉपिक में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सैलरी का देखिए स्ट्रक्चर ऐसा है इसमें कि जब आप हायर कर लिए जाते हो, रिक्रूट हो जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि 5 दिन में 10 दिन में 15 20 दिन में सैलरी आ जाती है आपकी, ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी नहीं होता कि जैसे आपको महीने में 15 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग हो गई और 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी। कई लोग बोलेंगे ऐसा कि हाँ, कई लोगों को नहीं पता होता, वो बोलते हैं अच्छा 15 दिन हो गया ज्वाइन किए, अगली 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उसमें होती है। क्योंकि जब आप नए रिक्रूट होते हैं ना तो उसमें आपका एक NPS का अकाउंट भी बनता है, और NPS का अकाउंट आपका बनता है जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है ना, उसके 1-1.5-2 महीने बाद में आपका NPS का अकाउंट बनता है, आपसे बनवाया जाता है, और उस NPS का अकाउंट बनने के बाद में आपकी सैलरी आती है, क्योंकि उसके अंदर भी आपके डिपॉजिट होते रहते हैं पैसे, जिसमें इंस्टीट्यूट भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। तो सैलरी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सैलरी आएगी आपकी लगभग ऐसे मान के चलिए कि जैसे आप रिक्रूट हो जाएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, तो लगभग सैलरी आएगी आपकी 2.5 से 3 महीने के आसपास। 2 महीने भी नहीं आती है, मोस्टली तो नए इंस्टीट्यूट्स में नहीं आती है, जो नए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट होते हैं उनकी 2 महीने में भी नहीं आती है, लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में आपकी सैलरी आती है। और वो जो सैलरी है वो लगभग कितनी आती है आप अंदाज लगा सकते हैं कितना हो सकता है सैलरी, और पहली सैलरी कितनी आती है। देखिए पहली सैलरी का मतलब ये होता है, स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि सैलरी जो होती है ना पहली, वो डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट पे, यानी कि सारे इंस्टीट्यूट्स की सैलरी सेम नहीं है, कुछ एक चीज़ों का डिफरेंस रहता है। जैसे एक तो आपका DA का डिफरेंस रहता है और एक आपका HRA का डिफरेंस रहता है, क्योंकि हर शहर में महंगाई का स्तर भी थोड़ा थोड़ा अलग है और HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस भी अलग अलग होता है। तो जो सिटी देखिए, और HRA यानी कि जो आपके जो रेंट के जो पैसे देती है ना गवर्नमेंट, वो सिटी के हिसाब से देती है कि एक्स क्लास सिटी है या वाई क्लास सिटी है, जेड क्लास सिटी है, तो इन सिटीज़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जैसे वाई क्लास सिटी है वो मीडियम टाइप की सिटी है, जैसे मैं जोधपुर एम्स में हूँ तो जोधपुर जो है वो वाई क्लास सिटी है, तो लगभग 8,500 के आसपास हमारा HRA आता है। दिल्ली जो है वो एक्स क्लास सिटीज़ में आती है, तो वहाँ का ज़्यादा है, 13,000-14,000-15,000 के आसपास HRA आता है, और कुछ जेड क्लास सिटीज़ में जहाँ पे कम आता है 5,000-6,000 के आसपास HRA आता है। तो सैलरी जो है ना सारी एम्स की सिटी के ऊपर डिपेंड कर दिया, यानी कि लगभग 6,000-7,000 रुपये का फर्क देखने को मिल सकता है किसी में। जैसे मैं जोधपुर में हूँ, तो जब मैं जोधपुर एम्स में था, सॉरी अभी भी हूँ उसमें, तो जोधपुर एम्स में जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो उस टाइम पे मेरी पहली सैलरी मेरी आई थी, यानी 1 महीने के हिसाब से लगभग आई थी 71,000 के आसपास पहली सैलरी आई थी, क्योंकि उस टाइम पर मेरा टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ था, और हमारी सैलरी आई थी लगभग 2.5 से 3 महीने के आसपास। तो पहली सैलरी जो हमारी थी ना, वो हमारी पहली सैलरी आई थी लगभग 1,60,000 या 65,000 के आसपास में, यानी कि फुल सैलरी आती है। वहीं दिल्ली वालों की सैलरी खूब आई थी, दिल्ली के अंदर लगभग सैलरी आई थी 1,90,000 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे HRA का जो कंट्रीब्यूशन जो होता है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा होता है, HRA जो है वो क्या होता है वो ज़्यादा मिलता है उसके अंदर। तो पहली सैलरी कितनी आती है ऐसे मान लीजिए, अगर देखिए अगर कोई इंस्टीट्यूट है आपको 1 महीने में सैलरी देते, तो आप सोचेंगे कि सर ने तो हमें बताया कि सैलरी 1,60,70,80,000 आएगी, 1.5 लाख आएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंस्टीट्यूट देते 1 महीने में तो वो उतनी आएगी, 65,000-70,000 के आसपास आएगी, 71,000 तक आएगी। और दिल्ली में अगर आप जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली के या एम्स में कर रहे हैं, तो 74,000-75,000 के आसपास सैलरी आएगी आपकी, और 2.5 से 3 महीने के आसपास आएगी तो 1.5 लाख से ऊपर सैलरी आएगी आपकी, 1,70,000-80,000 के आसपास सैलरी आ जाएगी। ये तो सैलरी आएगी, और कितनी आएगी उसका आपको पता है, वो सैलरी आएगी आपकी 2.5 से 3 महीने में आएगी और 1,60,70,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी। तो ये है, और सैलरी के बारे में बात ऐसी है कि लाइफ में सारे स्ट्रगल जो है ना आपके
ऑलमोस्ट देखिए जिंदगी में ऐसा तो है नहीं आप कहीं आके स्टेगनेशन में आ जाएंगे, परेशानियां हमेशा साथ रहेंगी, पीछे दौड़ती रहेंगी आप आगे दौड़ते रहेंगे, पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको जरूर मिल जाएगी। इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आप अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं और आप अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इतनी आपके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी। अब आप प्राइवेट जेट लेने की कोशिश करेंगे तो वो तो सैलरी से नहीं हो पाएगा, पर आपकी ज़रूरतें जो है ना, बेसिक लाइफ की नीड जो है ना, जो आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरी नहीं हो पाती, वहाँ पे बहुत आराम से बहुत मजे से आपकी लाइफ कटेगी। तो लाइफ बहुत शानदार होने वाली है नॉर्थ शेड के बाद में। पैसों की कोई कमी नहीं होगी आपके पास में, वो बात अलग है कि जैसे एक दो साल की आपकी जॉब हो जाएगी उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो एक अलग मसला है, पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको 100% मिलने वाली है। तो तैयारी करते रहिए, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ते रहिए। और सैलरी के बारे में ये बात थी, और सैलरी स्लिप जो है ना, वो मेरी फर्स्ट सैलरी स्लिप है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा कि फर्स्ट सैलरी स्लिप में क्या क्या पेमेंट आता है, कितना आता है। और सैलरी में देखिए सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें मिलके होती है सैलरी में। आप ये देखिए, नर्सिंग अलाउंस आता है आपका, ड्रेसिंग अलाउंस आता है आपका, डीए आता है आपका, टीए आता है, टीए यानी ट्रैफिक अलाउंस आता है, डीए ऑन टीए भी आता है आपका, और इसके अलावा आपका बेसिक पे जो है वो तो होता ही है। और बेसिक पे जो होता है ना, वो कितना होता है, बेसिक पे आपका 44,900 के आसपास होता है, और 4600 ग्रेड पे होता है आपका। उसके बाद में जो आपकी जो सैलरी जो आती है ना 65,000-70,000 के आसपास, वो आपकी अलाउंसेस वगैरह मिला के आती है। तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर था कि कितनी सैलरी आती है, तो सैलरी का मैंने बता दिया आपको। और तैयार हो जाइए इतनी सैलरी लेने के लिए, क्योंकि आपके अकाउंट में बहुत जल्दी आने वाली है, 3-4 महीने में 5 महीने मान लीजिए मैक्सिमम, इस साल में तो आ जाएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग भी आपकी जल्दी हो जाएगी, 3 जून को आपकी एग्जाम है, और उसके बाद में 20-25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और 15 दिन का टाइम बचा है तो ऐसे मान के चलिए कि सैलरी के लिए काम कर रहे हैं अपन, क्योंकि पैसे जो है ना वो अल्टीमेट सोर्स होता है मोटिवेशन का, बहुत ज़्यादा जो मैन जो सोर्स होता है ना मोटिवेशन का, वो पैसे होता ही है। फाइनेंस के हिसाब से आदमी फ्री रहना चाहिए। तो ये था वीडियो बनाने का मकसद, बता दिया मैंने कि कितनी सैलरी आती है कितनी नहीं आती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, मोटिवेटेड रहते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।